सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, यानी जो फ्लोर बना हुआ है रेक्टेंगुलर हॉल के जैसा बना हुआ है, उसकी पेरीमीटर दी भी 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल, यानी वो हॉल के जो चार दीवारें उसको हमें पेंटिंग करना है, उसका रेट देवा है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो इतना 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, इतने हॉल को, पेरीमीटर के हॉल को जब हम कलर करेंगे या फिर उसको पेंटिंग करेंगे तो उसकी प्राइस हो गई 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल हॉल, यानी वो हॉल की हाइट हमें फाइंड करना है। नीचे हिंट देवी, एरिया ऑफ द फोर वॉल इज इक्वल टू लैटरल सर्फेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ द फोर वॉल और वो लैटरल सर्फेस एरिया एक दूसरे को इक्वल होती है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका आंसर में इस तरह राइट करेंगे आंसर, तो जो गिवन है पहले राइट करते हैं। तो गिवन क्या देवा है, पेरीमीटर। गिवन क्या देवा है हमें, गिवन हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल। तो पेरीमीटर ऑफ वॉल, आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है उसका, 2 × L + B, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × L + B। तो यहां पर ऊपर हमें दिया गया है 2 × L + B, तो मैं इसे राइट कर सकता हूं 250 मीटर, जो पेरीमीटर दी हुई हमें, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूं। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम, तो हम यहां पर राइट करेंगे, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम, हमें एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ द रूम तो क्या बनेगा उसका फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट टू पेंट walls of the room upon cost to paint 1 meter square of the wall। मैंने इस तरह फॉर्मूला इसका तैयार कर दिया जो हमें सॉल्व करने में इजी जाए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट, यानी जब वो फोर वॉल को जब उन्होंने ये किए, तो आप देखते हो क्वेश्चन में यहां पर आया यानी पर मीटर स्क्वायर 15,000, कितना आया 15,000। सो राइट नाउ 15,000 यानी टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट वॉल ऑफ द रूम, यानी जब उन्होंने 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से फोर वॉल को 250 पेरीमीटर के हॉल को जब वो कलर किए, तो उसका टोटल कॉस्ट होगा 15,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा 15,000, और कॉस्ट ऑफ द पेंट 1 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया आपको, यहाँ देखिए ये 10 पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। आप जानते हैं इसका आंसर कितना आ गया, 1,500 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हिंट दी हुई है, हिंट क्या दी हुई देखिए यहां पर, एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया, तो देयरफॉर फिर से मैं राइट करता हूं थोड़ा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया, ये हिंट हमें दी गई थी, आप भी जानते हो। तो हम राइट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला था मैंने जब राइट करके दिया था आपको सेकंड क्वेश्चन में, तो आपने आपको याद होगा 2 BH + HL इज इक्वल टू, हमने H बाहर निकाले थे 2H और L plus B या B plus L।
तो जब हम ये फार्मूला राइट करेंगे तो सिंपली तो मैं राइट करता हूँ यहाँ पर, देखिए फिर से ये वाला जो फार्मूला है मैं फिर से राइट करता हूँ यहाँ पर, इस तरह राइट करता हूँ 2H इन ब्रैकेट, थोड़ा मैं B को पहले लिख देता हूँ, B प्लस L इज इक्वल टू, तो कितना एरिया निकल गया मैं 1500 मीटर, ये इसके साथ में आपको ऐड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, इक्वेशन नंबर वन और टू को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 250 हमें जो मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो आप जानते हो, तो मैं ये देखिए ये वैल्यू 2 इंटू बी प्लस एल प्लस बी, जब बी प्लस एल एल प्लस बी कितना है 250, तो मैं इनके टाइप में लिख डालता हूँ 250, देखिए बी प्लस, देखिए ये देखिए 2 इंटू बी एल प्लस बी जिस तरह भी हमने राइट किए, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर वन को देखिए एक बार केयरफुली, इतना है 2 इंटू एल प्लस बी 250 है, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा 250 इंटू बचा क्या हमारे पास में एच, यहाँ लिख दिए एच इज इक्वल टू 1500, जो हमारा आंसर निकल चुका था। यहाँ पर आप राइट कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक, तो अब एच को इधर ने दो, 250 को नीचे आने दो, एच इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 250, ये जीरो कट हुआ, ये जीरो कट हुआ, बचा क्या हमारे पास में, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना मिलेगा, 25 1 25 और 25 6, तो इसका हाइट मिल गया हमें 6, तो यानी जो जो 6 मीटर इसके जो यूनिट आएगा कितना आएगा 6 मीटर, तो जो हॉल था उसकी जो फोर वॉल थी उसकी जो हाइट थी वो 6 मीटर, एक वॉल जो 6 मीटर की थी। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो।